ऑडिट चेकलिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर शेयर्स एनबीएफसी खुद हेल्ड करता है तो फिजिकली वेरिफिकेशन उसकी हुई है कि नहीं हुई है। अगर वो खुद के नाम पे हेल्ड नहीं कर रहा है बल्कि एक डिपॉजिटरी उसके बिहाफ पे हेल्ड कर रही है तो आपको उस डिपॉजिटरी से कंफर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि एनबीएफसी शेयर खुद के नाम पे हेल्ड तो करता है लेकिन खुद के पास नहीं रखता है, किसी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के पास डिपॉजिट करवा रखा है, तो उस आपको उस अप्रूव्ड इंटरमीडियरी से आपको कन्फर्मेशन भी लेनी पड़ेगी। अगर कोई डिविडेंड इनकम कहीं पे डिक्लेयर हुई है तो उस डिविडेंड इनकम को प्रॉपर रिसीव किया गया है कि नहीं किया गया है एनबीएफसी द्वारा। अगर कोई इंटरेस्ट इनकम ड्यू हुई है तो उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर इंटरेस्ट इनकम ड्यू हुई है और वो इंटरेस्ट इनकम रिलेट किससे रिलेट करती है, एनपीएस से रिलेट करती है, तो आप उसको एक्रुअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे क्योंकि जब तक एनपीए के केस में जो इंटरेस्ट इनकम होता है उसे कैश बेसिस पर ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। और जो डिविडेंड इनकम है शेयर्स के ऊपर और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर, उसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कैश बेसिस के ऊपर ही एज पर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। लेकिन अगर डिविडेंड इनकम कंपनी के एजीएम में डिक्लेयर करी गई है और एनबीएफसी का राइट बनता है उस डिविडेंड को रिसीव करने का, तब आप उस डिविडेंड इनकम को अक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप कैश बेसिस पर ही रिकॉग्नाइज करोगे। फिर इन्वेस्टमेंट की सेल या परचेज को वेरीफाई करने के लिए आप बोर्ड मिनट्स को वेरीफाई कर सकते हो। आपको चेक करना है कि जो एज पर AS 13 होती है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, उसकी कंप्लायंस करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है। आपको चेक करना है कि जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन है वो एज पर एनबीएफसी प्रोडेंशियल नॉर्म्स करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है। प्रॉपर जो एडिक्वेट प्रोविज़न है इन्वेस्टमेंट के लिए उस बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। तो ये सारी ऑडिट चेकलिस्ट में बातें आती हैं। तो इन सब के लिए भी हमने एक कहानी बना रखी है। कहानी है रिया और सुशांत को लेकर के, कि रिया और सुशांत किस तरीके से मिले थे। तो सुशांत नाम का एक लड़का था, रिया नाम की एक लड़की थी। दोनों इनकम टैक्स की क्लास में वैल्यूएशन का टॉपिक कर रहे थे। सुशांत रिया को 13 मिनट तक फिजिकली वेरीफाई करता रहा, फिर अपने चेयर से उठकर रिया से दोस्ती की कंफर्मेशन लेने गया और फिर रिया ने ऑथराइजेशन दे दी। तो मतलब कि अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सुशांत राजपूत खुद था। ऑडिट यहाँ पे ऑडिट कनेक्ट यहाँ पे कनेक्टर क्या है, सुशांत और रिया इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी में इनकम टैक्स की क्लास लेते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स से आपको याद आना चाहिए इनकम रिकॉग्निशन, क्लास से क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन से वैल्यूएशन और 13 मिनट से कंप्लायंस ऑफ AS 13, फिजिकली वेरीफाई से फिजिकली वेरीफिकेशन, कंफर्मेशन से एक्सटर्नल कंफर्मेशन और ऑथराइजेशन से सेल परचेज की ऑथराइजेशन। बोर्ड मतलब जो सेल परचेज हुई है वो बोर्ड रेजोल्यूशन में है कि नहीं, बोर्ड मीटिंग में है कि नहीं, वो चीज़ें।